के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के योग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। योग को बताया शून्य बजट का स्वास्थ्य बीमा। फरीदाबाद में बाबा रामदेव के योग कार्यक्रम में बने 4 विश्व रिकॉर्ड। पुशअप और शीश आसन का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज। 1,00,000 से ज्यादा लोगों के योग और सूर्य नमस्कार ने भी बनाया रिकॉर्ड। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ खोला मोर्चा। नजीब जंग को कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बताया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की लिखित शिकायत। एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर अमेरिका और चीन में ठनी। अमेरिका ने सदस्य देशों से भारत का समर्थन करने की अपील की, तो चीन ने सदस्यता के मुद्दे को बताया एजेंडे से बाहर। और टीम इंडिया के मुख्य कोच के लिए आज होगा इंटरव्यू। सचिन, लक्ष्मण और गांगुली 21 आवेदकों से करेंगे बातचीत। रवि शास्त्री, संदीप पाटिल और अनिल कुंबले समेत कई दिग्गज पूर्व क्रिकेटर्स रेस में शामिल। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में करीब 32,000 लोगों के साथ योग किया। पीएम के साथ पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि शून्य बजट में कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं मिलता है, लेकिन योग शून्य बजट में स्वास्थ्य आश्वासन देता है। भारत जैसे विकासशील देश अगर निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान दे तो हम बहुत बचत कर सकते हैं। निवारक देखभाल के तरीकों में योग सबसे किफायती और सुगम है, इसलिए योग को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है। देश के हर कोने में इस योग के कार्यक्रम से लोग जुड़े हुए हैं और विश्व के सभी देश अपने अपने समय की सुविधा से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत के अनुरोध पर गत वर्ष इसका प्रारंभ हुआ। 21 जून इसलिए पसंद की गई कि एक प्रकार से विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है। पूरे विश्व का समर्थन मिला, विकसित देश हो, विकासमान देश हो, समाज के हर तबके का समर्थन मिला। वैसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, मैं सबका उल्लेख नहीं करता हूं, लेकिन शायद यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाए गए इतने सारे दिवसों में कोई दिवस जन आंदोलन बन गया हो। विश्व के हर कोने में उसको समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होती हो, शायद अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बराबरी कोई और दिवस नहीं कर पा रहा है। योग क्या मिलेगा इसके लिए नहीं है, योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा, मैं क्या दे पाऊंगा, मैं किन किन चीजों से मुक्त हो पाऊंगा, ये मुक्ति का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं है। सभी संप्रदाय, धर्म, भक्ति, पूजा पाठ वो इस बात पे बल देते हैं कि मृत्यु के बाद इहलोक से निकल करके जब परलोक में जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। आप अगर इस प्रकार से पूजा पद्धति करेंगे, ईश्वर की साधना आराधना करेंगे, तो आपको परलोक में ये मिलेगा। योग परलोक के लिए नहीं है, मृत्यु के बाद क्या मिलेगा इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है।
और इसलिए ये धार्मिक कर्मकांड नहीं है। योग इहलोक में तुम्हें मन को शांति कैसे मिलेगी, शरीर को स्वस्थता कैसे मिलेगी, समाज में एक सूत्रता कैसी बनी रहेगी, उसकी ताकत देता है। ये परलोक का विज्ञान नहीं है, यही इहलोक का विज्ञान है। इसी जन्म में क्या मिलेगा उसी का विज्ञान है। योग आस्तिक के लिए भी है, योग नास्तिक के लिए भी है। जीरो बजट से दुनिया में कहीं पर भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन योग ऐसा है जो जीरो बजट से हेल्थ इंश्योरेंस देता है। योग को अमीर गरीब का भेद नहीं है, विद्वान अनपढ़ का भेद नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अमीर से अमीर व्यक्ति भी योग आसानी से कर सकता है। आज योग प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, और जब योग का आकर्षण हो, योग की प्रतिष्ठा हो, तब जिस महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें ये विज्ञान दिया है, हमारी जिम्मेवारी बनती है इसको सही स्वरूप में हम विश्व तक पहुंचाएं, हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, भारत से उत्तम योग टीचर तैयार हो। अभी भारत सरकार ने गुणवत्ता के लिए जो काउंसिल होती है, क्वालिटी काउंसिल, उसने योग की ट्रेनिंग कैसे हो, योग के ट्रेनर कैसे हो, उसकी कुछ नॉर्म्स तय करने की दिशा में काम किया है। भारत सरकार ने WHO के साथ मिलकर के पूरे विश्व में योग के प्रोटोकॉल क्या हो, वैज्ञानिक तरीके क्या हो, उस पर काम प्रारंभ किया है। देश भर में योग को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था कैसे हो, विश्व में योग का सही रूप कैसे पहुंचे, और उसकी जो शुद्धता है उसको बरकरार रखने की दिशा में क्या काम हो, उस पर काम हो रहा है। योग हमारे लिए शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का केंद्र बिंदु बन गया है। शारीरिक स्वस्थता देता है, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए मार्ग बना सकता है, और समाज के साथ संतुलित व्यवहार करने की हमें शिक्षा देता है। और इसलिए मैं चाहूंगा इस योग को विवादों में डाले बिना जन सामान्य की भलाई के लिए, और इहलोक की सेवा के लिए, परलोक की सेवा के लिए नहीं, परलोक के लिए संप्रदाय है, धर्म है, परंपरा है, गुरु महाराज है, बहुत कुछ है। योग इहलोक के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए है। आज योग विश्व में एक बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार भी बनता जा रहा है, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन के रूप में विकसित हो रहा है। योग के ट्रेनर की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है दुनिया में, दुनिया के हर देश में मांग बढ़ रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाएं हो रही है। अरबों खरबों का कारोबार आज योग नाम की व्यवस्था के साथ विकसित होता जा रहा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं कि जहां टीवी चैनल 100% योगा के लिए ही समर्पित हो, ऐसी टीवी चैनल चलती है। मैं योग से जुड़े हुए सभी महानुभावों से आज मैं इस सार्वजनिक मंच से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्या अगले साल जब हम योगा दिवस मनाएंगे, ये जो एक वर्ष है, एक वर्ष दरमियान हम योग के लिए जो भी करते हैं करें, लेकिन एक विषय पर हम फोकस कर सकते हैं क्या? और वो मेरा विषय है मधुमेह, डायबिटीज।
डायबिटीज और योग, सभी योग की दुनिया के लोग जो भी ज्ञान उनके पास है, तरीके उनके पास है, साल भर योग की बाकी चीजें तो चलेगी लेकिन ये प्रमुख होगा। भारत में डायबिटीज की संख्या बढ़ रही है। मैं आज दो अवार्ड घोषित करने जा रहा हूं। अगले वर्ष जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा तब भारत की तरफ से यह दो अवार्ड के लिए चयन होगा। उनको अवार्ड उसी समारोह में दिया जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के लिए उत्तम काम हो रहा हो उनके लिए अवार्ड। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।